भाई साहब मेरी तो हालत खराब होगी, पहले तो सुना ही था, आज देख भी लिया। जब पानी का जल स्तर ना धीरे धीरे बढ़ता है ना, तो बोटिंग पॉइंट इधर साइड आता है। तो ये देखो भाई, अब इधर साइड आ चुका है बोटिंग पॉइंट। कल है हमारे गांव में श्राद्ध, तो आज हमने जाना है श्राद्ध की सब्जियां काटने। थोड़ी देर में गढ़वाल में बोलते ना बगई लगना, तो वही लगी है भाई हमारे गाँव में। अपना लोग नीचे शोर मचाने लग गए भाई। मनोज भाई अभी आ चुके हैं भाई। मैंने मनोज भाई को बोला कि मेरे को छोड़ने चलो, मैंने कहा डर लग रही है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम। मैं आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी के एक खूबसूरत गांव चा गांव से। तो सुबह के करीबन 8 बज चुके हैं और मेरी तैयारी हो चुकी है ड्यूटी जाने की। बाकी मौसम की बात की जाए तो हल्की बूंदाबांदी हो रही है और चारों तरफ ना कोरे कोरे छा रखा है। सामने के पहाड़ देखो भाई, पूरा ना कोरे से ढक रखा है और मौसम देखो भाई पूरा पैक हो रखा है। बाकी आजकल चारों तरफ ना सब्जियों की बेल बहुत लंबी लंबी दिखाई दे रही है भाई। सब्जी तो लग नहीं रही, बाकी बेल ही बेल दिखाई दे रही है कि बहुत लंबी हो गई है भाई। इधर साइड देखो और इधर साइड भी देखो, इधर साइड देखो भाई, सबके घरों में ना सब्जियों की बेल बड़ी बड़ी हो गई है भाई बारिश के बाद। बट सब्जी अभी तक बहुत कम लगी है भाई किसी की। बाकी मम्मी ब्रेकफास्ट लेके बाहर में आ चुकी है भाई, और ब्रेकफास्ट में कल रात की कद्दू की सब्जी है जिसमें मम्मी ने नमक ही नहीं डाला था भाई। सब्जी तो बनाई और नमक डालना ही भूल गई। और जो होता है ना कि अगर नमक तुम बाद में डालो ना तो वो सब्जी टेस्टी नहीं होती भाई, अगर बनाते टाइम डालो तो वो सब्जी टेस्टी हो जाती है। बाकी वही किया और फिर बाद में भाई नमक डाला, उसके बाद वो टेस्टी नहीं हुई। शायद इस टाइम मम्मी ने दोबारा से उस पे छौंका मारा है। आज दिन के बज रहे हैं 1:30, बाकी हमारा चल रहा है लंच टाइम और हम जा रहे हैं घूमने। तो अनिल भाई ने बोला कि आज ना कार लेके तू आ ऊपर से। तो अनिल भाई ने जो कार पार्किंग पे लगाई रहती है ना, वो यहाँ पे लगाई रहती है भाई। तो फटाफट से ले जाते हैं। मैं आजकल ट्रेनिंग पे चल रहा हूँ भाई, मैंने बताया था मेरे को कार चलानी तो आती है बट अभी इतना परफेक्ट नहीं हुआ। तो फटाफट से कार लेके चलते हैं। अनिल भाई और अनु नीचे में खड़े हो रखे हैं, तो फटाफट से चलते भाई। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं बोटिंग पॉइंट में। तो जो पहले से ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा कि जब मैं पहले बोटिंग पॉइंट दिखाता था ना, तो बोटिंग पॉइंट उधर साइड था भाई। और मैंने बताया था जब पानी का जल स्तर ना धीरे धीरे बढ़ता है ना, तो बोटिंग पॉइंट इधर साइड आता है। तो ये देखो भाई, अब इधर साइड आ चुका है बोटिंग पॉइंट, और कुछ टाइम बाद जब और पानी बढ़ता है उधर ही जाता है भाई, यहाँ बीच में जाता है फिर। बाकी आजकल ना बारिश के बाद ना सीजन ही नहीं चल रहा भाई, जब कड़ाके की धूप पड़ती है ना उस टाइम सीजन अच्छा चलता है भाई इनका। अब देख रहे होंगे कि पूरा बोटिंग पॉइंट ना खाली खाली से लग रहा है भाई। बाकी अभी तो पानी का जल स्तर नीचे तक है भाई, तो धीरे धीरे पानी का जल स्तर जब बढ़ता है ना तो पूरा यहाँ तक आता है भाई, और ये जो बीम दिख रहे हैं ना यहाँ तक पानी बढ़ जाता है भाई। इधर साइड तो बोटिंग पॉइंट, बाकी इधर जो रहती है वो रहती है एम्बुलेंस, जो कि पानी में कुछ दुर्घटना हो जाए ना किसी के साथ तो फिर एम्बुलेंस लेने जाती है भाई। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां। तो गाइस ड्यूटी से आके गांव में पहुंचा ही था और सपना आ रखी है भाई। सपना परसों आ गई थी, बाकी एक दिन आया था बट ये घूमने जा रखी थी भाई। ये बहुत घुमक्कड़ है भाई, तो इसने मेरे से सामान मंगा रखा था कुछ। ले भाई तेरी अमानत।
तो यहाँ पे आरती बैठ रखी है भाई। ये आरती जो है, जो पहले से ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा कि कुलदीप भाई की दीदी है भाई। भाई ये पार्टी मांग रहे भाई मेरे से, बोल रहे कि तुझे बल दो YouTube पेमेंट मिल गई, बल मुझे पार्टी चाहिए बल। ये तो बोल रही है भाई कि वो भी दे दे बल, आईफोन की पार्टी बल। अरे इसने मेरे से गूगल एडसेंस पिन जब मेरा आया था ना उस टाइम भी पार्टी मांगी थी भाई, उस टाइम दे दी थी मैंने तेरे को पार्टी, जब शुरुआत हुई थी पैसे आने की। तुमने क्या भूमिका निभाई इसमें? इसको तो मैंने उस टाइम दे दिया था जिस टाइम मेरी शुरुआत ही हुई थी गूगल एडसेंस पे, जब मेरा आया था। अभी भी ये पार्टी मांग रही है भाई। अच्छा 5 रुपए का ब्लॉग देख रहे, जरा पुराना वाला ब्लॉग। बाकी पार्टी होगी बट कुछ टाइम बाद होगी। खर्चे का टाइम चल रहा है मेरा। तो गाइज फाइनली पहुंच चुका हूँ घर में और शाम के बज रहे हैं 6। बाकी आज हम टाइम से निकल गए थे भाई ऑफिस से, जिसकी वजह से जल्दी पहुंच गए भाई। अब जाके 6 बज रही है, मैंने चेंज भी कर लिया। बाकी कुछ प्रमोशन की वीडियोज आ रखी थी तो प्रमोशन की वीडियोज बनाई। और पहले तो थैंक यू आप सब लोगों का लास्ट वाले ब्लॉग में इतना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए। पहले तो सभी लोगों का थैंक यू, और जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर है उनका वेलकम है, और जिन्होंने पहले से सपोर्ट बना रखा है उनका थैंक यू। अभी इस टाइम का जो मौसम हो रखा है वो मस्त मौसम हो रखा है भाई, हल्की सी धूप लग रखी है। बाकी आसमान में कहीं कहीं बादल छा रखे हैं और कहीं कहीं आसमान साफ हो रखा है भाई। और दादी लग रखी है भाई चौक के चक्कर मारने पे। दीदी और मम्मी नीचे जा रखे हैं भाई खेत में, इधर से हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं। तो जहाँ मैं ड्यूटी करता हूँ ना उस टाइम तो सही मौसम हो रखा था जिस टाइम हम वहाँ से निकल रहे थे, बट जैसे आधे रास्ते आए ना तो हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी भाई। बाकी काफी सारे नए लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि मैं सुबह ड्यूटी पे जाता हूं, घर से 8 बजे निकलता हूं और 9 बजे तक ऑफिस पहुंच जाता हूं, और शाम को 5 बजे ऑफिस से निकलता हूं और 6 बजे तक घर पहुंच जाता हूं। तो मैं जो जॉब करता हूं वो यहां से ऐसे दिखता है भाई, सामने इधर मैं जॉब करता हूं जहां का नाम है कोटी कॉलोनी। आपने दिन में देखा होगा हम ब्लॉग बनाने गए थे तो वहाँ का जो फेमस प्लेस है ना वो वही है भाई, बोटिंग पॉइंट, जो कि काफी बार आपने सुना होगा वीडियोस में देखा होगा। तो हमारे घर से वहाँ की दूरी जो है वो 27 किलोमीटर है और हम जो टोटल ट्रैवल करते हैं ना वो 54 किलोमीटर डेली के ट्रैवल करते हैं भाई। तो सुबह आपने देखा होगा कि सामने के पहाड़ ना पूरे कोहरे से ढक रखा था, और इस टाइम देखो भाई नीचे नीचे का जो कोहरा है ना वो साफ हो गया। बाकी ऊपर खैट पर्वत में और पीड़ी पर्वत में अभी भी कोहरा छा रखा है। तो बोलते हैं कि जहाँ चीड़ के पेड़ ज्यादा होते हैं ना वहाँ ज्यादा कोहरा लगता है। तो गाइस घूमने जा रहा था और सोचा कि ये लोग आगे जा रखे तो इनके साथ घूमने जाऊंगा, और ये देखो भाई घूम के वापस भी आ गए। मुझे अकेले घूमने जाना पड़ेगा भाई, आ जा चल मैं सामान ले। ऊपर नहीं बोल रखा तुम्हारे लिए, बोल बोलो। अच्छा कल है हमारे गांव में श्राद्ध, तो आज हमने जाना है श्राद्ध की सब्जियां काटने थोड़ी देर में। तो जो पहले से ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा कि 6 महीने पहले सुमित भाई की दादी एक्सपायर हुई थी, तो वो छपिंडी कर रहे हैं, मतलब 6 महीने में श्राद्ध कर रहे हैं, तो उन्होंने बोल रखा है। तो फटाफट से थोड़ी देर घूमने चलता हूँ और फिर ऊपर चलते हैं भाई। तो गाइस घूमने आया था और अब जा रहा हूँ मैं घर, और मैं अकेले आया था नहीं तो हम थोड़ी अंधेरे में आते थे। बट कल ना कुछ लोगों ने इस वाली लोकेशन पे ना बाघ देखा था, जिसकी वजह से मेरे को डर लग रही है भाई अकेला रखो। वैसे सानू भाई लोग रहते हैं और आज आपने देखा होगा कि सानू भाई लोग घूम के घर वापस चले गए हैं भाई, तो आज काफी डर लग रही है। तो मैंने सोचा कि जल्दी घर चले जाता हूँ, नहीं तो आप देखते होंगे कि मैं हमेशा अंधेरे में घर जाता हूँ भाई। तो गाइस घूम के अन्य लोगों की दुकान पे आया था, तब तक रोहित चाचा मिल गए थे, और रोहित चाचा काफी टाइम से मेरे ब्लॉग में दिख रहे हैं। रोहित चाचा हाँ जी कैसे हो? बस बढ़िया। तो काफी दिनों मतलब काफी टाइम बाद गांव आए इसलिए। हाँ तो रोहित चाचा मैंने बताया था कोचिंग करते हैं देहरादून में, तो जब हम कॉलेज पढ़ते थे ना तो मेरा जूनियर था भाई रोहित चाचा, मतलब हम रहते थे तो बहुत मस्ती करते थे भाई। उस टाइम हम ब्लॉग नहीं बनाते थे और रूम हमारा अलग अलग था, तो एक दिन किसी के रूम पे जाते थे एक दिन किसी के रूम पे जाते थे, तो मजा आता था भाई उस टाइम। बाकी अभी हम जा रहे हैं कल के श्राद्ध के लिए सब्जी काटने, तो कल तो हमारी छुट्टी है नहीं भाई, और मैं तो भूल गया था एक बार, कुछ दिन पहले मम्मी ने बताया था कि ऊपर श्राद्ध है, याद नहीं थी भाई मेरे को। और जैसे मैं घर आया शाम को ड्यूटी से तो फिर मम्मी ने बोला कि ऊपर सब्जी काटने के लिए बोल रखा है। बाकी अगर कल छुट्टी होती तो मस्त से दिखाते कि श्राद्ध में क्या क्या व्यंजन बनाए जाते हैं। तो श्राद्ध में 13वीं की तरह 13 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं भाई, जिन्हें खाने में काफी मजा आता है भाई। तो फटाफट से चलते हैं, अंधेरा भी हो गया, आसी लोग पीछे से आ रहे हैं, शायद उन्होंने सब्जी काट ली होगी क्योंकि
अक्सर हमारे साथ ऐसी होता है जब हम श्राद्ध की सब्जियां काटने जाते हैं ना तो सब्जियां कट जाती है भाई जब तक हम जाते हैं। तो फटाफट से चलते हैं, पहुंच तो चुके हैं हम यहाँ पे। तो सुमित भाई लोगों घर यहाँ पे है भाई, और उन्होंने जो नया मकान निकाला है ना वो इधर निकाला है भाई। तो यहाँ से हमारा गाँव मस्त दिखता है। जो पहले से ब्लॉग देखते होंगे, जिस दिन मैं अन्नू लोगों घर पे गया था ना उस दिन मैंने यहाँ से दिखाया था कि हमारा गाँव यहाँ से कैसे लगता है भाई। मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़। तो गाइस खाना खाने के बाद हम घर ही जा रहे थे। बाकी मैंने तो भाई बाग देख लिया यहाँ से, जो हमारे गांव का शिव जी का मंदिर है ना यहाँ पे, तो यहाँ से भागा भाई। इन्होंने तो देखा नहीं, आसी और अन्नु हम तीनों जा रहे थे। भाई साहब मेरी तो हालत खराब होगी, पहले तो सुना ही था आज देख भी लिया, ऊपर से ही देखा भाई मैंने, हमने शोर मचाया यहाँ से और तब भागा भाई। वो अभी उसी रास्ते पे गया है और हमने उसी रास्ते से जाना है भाई। तो अभी मनोज भैया लोग सब पीछे हैं, तो अब हम उनका वेट कर रहे हैं क्योंकि अकेले तो जाना बस का नहीं है भाई। और मैं घर जाऊंगा तो आज लोग मेरे को छोड़ने जाएंगे भाई। भाई साहब कसम से गढ़वाली में बोलते ना बगही लगना, तो वही लग गई है भाई हमारे गांव में। मैंने तो सामने सामने बाग देखा, बाकी इन्होंने नहीं देखा भाई, मैंने बताया इनको बट इनकी नजर ही नहीं पड़ी भाई। तो गाइस अब हम तीनों यहां पे खड़े हो चुके हैं और हम वेट कर रहे हैं सबका कि सब आ जाएं। बाकी मैं इसको बोल रहा हूं कि तू चले जा, आज से चले जा भाई। मैं जय भी जोलो भाई। भाई वहां पे जो अंधेरा है ना, हमको लग रहा है कि वहीं पे वो खड़ा हो रखा भाई। तो मैंने जो देखा, मैंने वो जो दुकान है ना वहाँ पे शिव जी के मंदिर के बगल में, तो वहीं से भाग के गया भाई, लंबी पूंछ थी भाई उसकी। तो गाइस हम तीनों को काफी टाइम हो गया इधर, और पहले तो ये सिर्फ शकी कर रहे थे, मेरे को तो विश्वास था कि बाघ है, बाकी सब ना लोग नीचे शोर मचाने लग गए भाई, शायद वो बाघ उधर ही गया। और अभी थोड़ी देर पहले ना लाइट भी गई भाई हमारे गाँव की, तो उसी टाइम शायद वो उधर गया और वो शोर मचा रहे भाई उधर। तो गाइस हम आगे आगे आए और मनोज भैया भी आ चुके हैं भाई। मैंने मनोज भैया को बोला कि मेरे को छोड़ने चलो, मैंने कहा डर लग रही है, यहाँ देखो भाई पूरा अंधेरा हो रखा है। चलो फिर चले जाओगे? मैंने पहाड़ भी डाल भाई, चलो ठीक था मैं। तो गाइस घर में पहुंचा ही था और मम्मी ने मेरे पास पटाखे दे दिए भाई कि यहाँ नीचे फेंकने की, यहाँ देखो भाई पूरा अंधेरा हो रखा है। जब ताऊ जी रहते थे तो थोड़ी उजाला हो जाता था, तो यहाँ फेंकने भाई, यहाँ ज्यादा बाघ रहता है। और जिस दिन बुरोनो पे बाघ ने हमला किया था ना उस दिन शायद वो इधर ही था पहले, और उसके बाद वो उधर चले गया था भाई। तो गाइस रात के बज रहे हैं 10, तो फिलहाल मैं कर रहा हूँ ब्लॉग की एंडिंग। तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसी सपोर्ट बनाए रखे। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।